अगर लोकतंत्र है तो फिर हमारी आजादी कहाँ है, दलितों की आजादी कहाँ है? एक किताबों में, जो आज के टाइम में जिस तरीके की ये सरकार है, जो लोकतंत्र है वो किताबों में सिर्फ रह गया है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रोफेसर रितु सिंह जी, मैं उनके आंदोलन का भरपूर समर्थन करता हूँ, चाहे मेरा शरीर का एक एक खून कतरा भी अगर रहेगा, मैं रितु सिंह के लिए जान देने का काम करूंगा, कुर्बान देने का काम करूंगा। आज विवेक देवराय जी, होश में रहो, यह बहुजन पचासी का देश रहा है, यह बहुजनों का देश रहा है, यह मूल्यवासियों का देश रहा है, और तुम किसके संविधान बदलने की बात कर रहे हो? हम जगह जगह पे बहुत बड़ी कार्यक्रम करते हैं, हर चीज में आगे अपना पार्टिसिपेशन शो करते हैं, लेकिन सच में अगर आज सबसे बड़ी चीज बचाने वाली है तो वो लोकतंत्र ही बचाने वाली बात है। और अगर हम जिस तरीके से हमारे हकों का हनन हो रहा है, एक महिला होने के नाते आज आपको पता होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे तकरीबन 63 डेज हो गए, आज 63rd डे है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो दिन रात प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो क्या है, वो किस चीज़ की आवाज़ दबाई जा रही है? क्या सरकार को सुनाई नहीं देता, सरकार को दिखाई नहीं देता? बहुत अच्छे से सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, बट ये लोग हमें इग्नोर करते हैं कि इनको छुओ मत। ये एक दिन बैठे, दो दिन बैठे, चाहे 10 दिन बैठे, चाहे 1 साल बैठे, लेकिन इनकी तरफ देखो मत। तो बात यही है कि अगर डेमोक्रेसी है, अगर लोकतंत्र है, तो फिर हमारी आजादी कहाँ है? महिलाओं की आजादी कहाँ है? दलितों की आजादी कहाँ है? हम किधर हैं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, हमारे हाथ में हम आवाज उठा रहे हैं, हमारे अंदर मेरिट है, हमारे अंदर टैलेंट है, हम आवाज उठा के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपने हक अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा के माध्यम से पढ़कर पहुंचते हैं, बट अल्टीमेटली हमारे साथ क्या होता है? हम किधर खड़े हैं आज? वही खड़े हैं, वही चीजें हमारे साथ हो रही है कि जब आपके अंदर टैलेंट है, आप आगे आते हैं, तो वो कैसा लोकतंत्र की आपकी आवाज दबाई जाती है, आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रचा जाता है, और पूरी कोशिश की जाती है कि आपकी आवाज को सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाए और आपके समाज को एक मैसेज दिया जाए कि देखो अगर बोलोगे ना तो ऐसा होगा, अगर आवाज उठाओगे ना तो ऐसा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक किताबों में, जो आज के टाइम में जिस तरीके की ये सरकार है, जो लोकतंत्र है, वो किताबों में सिर्फ रह गया है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल अगर आप देखो तो जीरो है, क्योंकि आपके बच्चे, आपकी जो आज मैं वहां बैठ के संघर्ष कर रही हूँ इतने दिन से, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही। हाँ, ये बात तो जरूर है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, ये हमने बचपन में प्रेयर पढ़ी है, तो दूसरों के लिए बोलने से पहले मैं पहले अपने लिए बोलूंगी, क्योंकि मैं करती आई हूँ। तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सत्ता में आज बेबस लोग बैठे हैं, जैसे ईवीएम शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है, जो वोट के राही नहीं, जो एक मशीन के राही अपनी सरकार बनाकर बैठे हैं, उनके अगेंस्ट आवाज उठा के उनको बताना कि असली ताकतवर डेमोक्रेसी में, इस देश में राजा नहीं प्रजा है, लोकतंत्र में राजा को बनाने वाले राजा नहीं है, राजा को बनाने वाली प्रजा होती है, और वो प्रजा हम लोग हैं, हमसे बनेगी, और अपनी आबादी से, अपने संख्या बल से हम ये सारी चीजें बता सकते हैं। और ऐसे कार्यक्रम, ऐसे मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति व्यक्ति को बनाता है, मूवमेंट मूवमेंट खड़ा करती है, एक मूवमेंट मूवमेंट को खड़ा करेगी, और हमें मूवमेंट को खड़ा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सत्ता में बैठे लोग बौखला गए हैं, वो भूल चुके हैं कि वो बाबा साहेब के दिए हुए वोट की ताकत से उधर जाकर बैठे, वो हमारे है ही नहीं। तो मैं आप सबका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ आप सबके साथ मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है कि हम इस तरीके के मोमेंट्स में आए, लेकिन जब आपके बच्चे सड़कों पर बैठ के लड़ रहे हो, तो बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी सूझबूझ के कि कौन है, उनके पीछे कौन है, क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं, उनका साथ दें। ऐसी बेटियों को, कल्पना जी यहाँ बैठी है, डॉक्टर इतु यहाँ पे, और मैडम गौतम जी हमारे बीच में, रेणुका जी और उनकी पूरी टीम, जब महिलाएं जिनके लिए बाबा साहेब ने सबसे ज्यादा काम किया और उनको एक स्वयं दर्जे का नागरिक आपके साथ एक लेवल पे खड़ा किया, तो प्लीज बिना इस वर्ड के, बिना थॉट लगाए, अपनी महिलाओं का सम्मान करें और उनको सशक्त करें और उनका हौसला बढ़ाए, उनके साथ सड़क पे आके खड़े हो, क्योंकि आपके समाज की ये जीत है। क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। तो आपके समाज की महिलाएं आज इतना कर चुकी हैं कि आज सीना ठोक के और सर उठाकर मंच में भी बैठी हैं और प्रोग्राम को लीड भी कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, उनको फिर दोबारा से गवर्नमेंट
उसमें डालना चाहिए। इसी के साथ सरकारी रिटायर कर्मचारियों की पुरानी जो पेंशन है वो बहाल कर जानी चाहिए और निजीकरण को बंद कर खाली करो और स्वास्थ्य शिक्षा नौकरी रोजगार जल जंगल जनसंख्या से अनुपात में भागीदारी लागू करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात नशा मुक्त, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखो तो आज देश के अंदर छोटे छोटे बच्चे इसमें चरस अफीम और दारू का नशा करते हैं। हम लोगों को इस पर भी फोकस करना चाहिए और नेशनल भीमार्मी बहुजन कमीशन समाज की संगठन की टीम लगभग 28 राज्यों में कार्य कर रही है। अभी कानपुर देहात क्षेत्र में हमारा कार्य चल रहा था और हम लोग लगातार सिस्टम को बना के रख रहे हैं और कार्य कर भी रहे हैं। 134 मुकदमे हमारे ऊपर है, 6 पर जेल काट चुके हैं। जेलों से हमें डरना नहीं, क्योंकि इस सरकार को अगर मूल तोड़ जवाब देना है तो हमें एकजुट पर एक मंच पर आना चाहिए और अपने ईगो और अपने घमंड को अपने घर में बैठाकर और एक भाईचारे के साथ मंच पर आना चाहिए। एक मंच पर आना होगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी बहन कल्पना बोस ने शुरुआत करके आगाज किया। मैं हमेशा इनको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ पर जो है रितु सिंह जी, प्रोफेसर रितु सिंह जी, मैं उनके आंदोलन का भरपूर समर्थन करता हूँ। चाहे मेरा शरीर का एक एक खून कतरा भी अगर रहेगा तो मैं रितु सिंह के लिए जान देने का काम करूंगा, कुर्बान देने का काम करूंगा रितु सिंह का और कल्पना बोस जी का। आंदोलन में हम कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहते हैं और संविधान में रक्षा, जो संविधान को बदलने की तैयारी हो रही है, जो विवेक राज और आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सलाहकार, आज 34 दिन पहले बोला कि देश का भारतीय संविधान बदल देना चाहिए। आज विवेक देवराय जी होश में रहो, यह बहुजन 85 का देश रहा है, यह बहुजनों का देश रहा है, यह मूल्यवासियों का देश रहा है और तुम किसके संविधान बदलने की बात कर रहे हो। ये तुम्हारे पूर्वजों ने संविधान नहीं बनाया, ये हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के पूर्वज के द्वारा बनाया हुआ ये संविधान है और संविधान पर आ जाए तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ बहुजन समाज के लोग तब तैयार हो चुके हैं, कसम खा चुके हैं संविधान को बचाने में, अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम परवाह नहीं करेंगे, लेकिन संविधान की रक्षा करके रहेंगे। इन्हीं जन शब्दों के साथ मैं तमाम उपस्थित जंतर मंतर पर उपस्थित लोग हैं सबको वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आए हैं अनिल दास जी, उनका भी हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।